रेट के गाइडलाइन जारी, मोबाइल घड़ी के साथ ज्वेलरी हुई बैन, परीक्षा से 30 मिनट पहले केंद्र पर पहुंचना जरूरी। 16 सितंबर तक जारी होंगे प्रवेश पत्र। राजस्थान में लगभग 3 साल बाद होने जा रहे रीट की तैयारी में जुटे अभ्यर्थियों का इंतजार अब खत्म होने जा रहा है। 31,000 से ज्यादा पदों पर आयोजित होने वाली रीट परीक्षा 26 सितंबर को आयोजित होने जा रही है, यह जिसमें प्रदेश भर के 16 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल होंगे। शिक्षा विभाग ने रीट की गाइडलाइन जारी की है, इसकी पालना नहीं करने पर अभ्यर्थी को परीक्षा देने से रोका जा सकता है। ज्वेलरी पहनकर नहीं आए परीक्षा देने, रीट में शामिल होने वाले अभ्यर्थी परीक्षा कक्ष में घड़ी, चैन, अंगूठी, कान के टोफिस, लॉकेट या किसी भी प्रकार के आभूषण पहनकर नहीं जा सकते हैं। इन सभी आभूषणों के पहनने पर रोक रहेगी। इसके अलावा पर्स, हैंडबैग या डायरी लाने पर भी रोक है। अगर अभ्यर्थी परीक्षा के दौरान अपने साथ इनमें से कुछ भी लाते हैं तो उन्हें इस परीक्षा केंद्र के बाहर रखना होगा और इसकी पूरी जिम्मेदारी भी परीक्षार्थी की होगी। परीक्षा में पारदर्शी पानी की बोतल लाने की छूट। 26 सितंबर के दिन अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र पर किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे मोबाइल, ब्लूटूथ, कैलकुलेटर भी नहीं ला सकते हैं। ऐसे में अगर इनमें से कोई भी वस्तु अगर अभ्यर्थी के पास मिली तो उसके खिलाफ अनुचित संसाधनों की रोकथाम अधिनियम 1992 के तहत कार्यवाही होगी। वहीं परीक्षा के दौरान अभ्यर्थियों को अपने साथ पानी की पारदर्शी बोतल लेकर आने की अनुमति रहेगी। 2 पारियों में होगी परीक्षा। रीट का आयोजन 2 पारियों में किया जाएगा। इनमें 16 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल होंगे। इसी दौरान कोरोना प्रोटोकॉल के तहत छात्रों की बैठक व्यवस्था की जाएगी। इनमें पहले रीट लेवल 2 कक्षा 6 से 8 पहली पारी में सुबह 10 बजे से 12:30 बजे तक होगी और लेवल 1 यानी पहले से 5वीं तक की परीक्षा दोपहर 2:30 बजे से शाम 6 बजे तक होगी। इसी दौरान अभ्यर्थियों को परीक्षा शुरू होने से आधे घंटे पहले पर परीक्षा केंद्र पर पहुंचना होगा। अगर अभ्यर्थी 30 मिनट पहले केंद्र पर नहीं पहुंच पाया तो उसे परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। 20 सितंबर को बनेगा कंट्रोल रूम। रीट से पहले 20 सितंबर से बोर्ड कार्यालय में केंद्रीय कंट्रोल रूम शुरू होगा जो 22 सितंबर तक सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक और 23 सितंबर से 27 सितंबर तक सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक कार्यरत रहेगा। कंट्रोल रूम का नंबर 01452634 36 और 01412630437 है। यहाँ अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र से संबंधित अपनी समस्याओं को जानकारी ले सकता है। इसके अलावा जिला कंट्रोल रूम की भी स्थापना होगी। परीक्षा के दौरान सभी जिला कलेक्टर कार्यालयों और जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक कार्यालय में 25 सितंबर सुबह 6 बजे से 26 सितंबर को परीक्षा समाप्ति तक और परीक्षा सामग्री संबंधित जिले से अजमेर कार्यालय के लिए रवाना होने तक कार्यरत रहेंगे। वहीं परीक्षा के एडमिट कार्ड परीक्षा तिथि से 10 से 12 दिन पूर्व जारी होंगे। इसे दिखाकर अभ्यर्थी राजस्थान रोडवेज में फ्री यात्रा कर सकेंगे। परीक्षा केंद्रों में होगी वीडियोग्राफी। रीट परीक्षा के दौरान प्रदेश भर में संवेदनशील और अति संवेदनशील परीक्षा केंद्रों में वीडियोग्राफी कराई जाएगी, जबकि निजी स्कूलों में बनाए जाने वाले परीक्षा केंद्रों में आधे पर्यवेक्षक सरकारी होंगे और सुपरवाइजर का काम भी सरकारी अधिकारी और कर्मचारी करेंगे। इससे परीक्षा में किसी भी तरह की धांधली की संभावना नहीं रहे। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार ऐसे परीक्षा केंद्र जहां पर इंटरनेट की सुविधा है उन केंद्रों पर प्रश्न पत्र पहुंचने से कम 2 घंटे पहले इंटरनेट सुविधा को बंद कर दिया जाएगा। इसके साथ ही परीक्षा वाले दिन परीक्षा केंद्र पर कक्षाओं, कोचिंग या हॉस्टल का संचालन भी नहीं होगा ताकि किसी भी तरह की धांधली और बेईमानी को रोका जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट AN247 न्यूज राजस्थान।